Hey everybody, Varun here from Language me guys, very very excited and very proud and happy to connect with all of you once again. Um thanks a lot for supporting all the previous videos. This video is going to be about few of the grammatical rules which you can apply in reading fill in the blanks, reading and writing fill in the blanks, also known as your drop down blanks, to help solve your reading blanks faster and with a higher accuracy. Um, this video is going to be in Hindi. I've got the same video in English as well if you want.

आप मेक श्योर sure करें कि आप साथ साथ नोट्स लें क्योंकि ऐसे रूल्स हैं जो आपको याद नहीं रहेंगे बट जब आप इनको अप्लाई करोगे तब ही याद रहेंगे तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि अभी इस वीडियो को आप अभी पॉज करें पॉज कर कर अपना नोटबुक और पेन लेके कर आएँ उसके बाद सारी चीज़ें नोट डाउन करें नोट डाउन करके उनको रिवाइज करें और जब आप ब्लैंक सॉल्व करें उनको खोल के रखें ताकि आपको थोड़ा सा आइडिया मिल जाए चलिए आप शुरू करते हैं इस वीडियो में जैसे कि मैंने आपको बताया कि हम रीडिंग ब्लैंक्स और रीडिंग राइटिंग ब्लैंक्स के ग्रामेटिकल रूल्स के बारे में बात करेंगे सबसे पहले थोड़ी सी बेसिक चीज़ें हम समझ लेते हैं रीडिंग uh, ब्लैंक्स आपके रीडिंग में कॉन्ट्रीब्यूट करते हैं रीडिंग राइटिंग ब्लैंक्स रीडिंग सेक्शन में भी राइटिंग सेक्शन में भी कॉन्ट्रीब्यूट करते हैं तीन चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है मैं ये नहीं कहूँगा कि मैं आपको कुछ ट्रिक दे दूँगा कि आपको बिना नॉलेज के ही या बिना uh, कोई काम के स्कोर आ जाएगा जैसे स्पीकिंग लिसनिंग में आता है इसमें आपको कुछ रूल्स मिलेंगे जिससे कि आपकी मदद होगी और अच्छी तरह सॉल्व करने में हायर एक्यूरेसी के साथ सबसे पहले आपको तीन चीज़ों का ध्यान रखना है कि आपको पैसेज का कॉन्टेक्ट समझना है जो भी पैराग्राफ आपको स्क्रीन पर मिल रहा है या जो भी पैराग्राफ आपको स्क्रीन पर आया हुआ है आपको उसका कॉन्टेक्स या मतलब अच्छे से समझना है आपको वोकेबरी इम्प्रूव करनी है डे बाय डे अगर आपको कोई पांच वर्ड आते हैं पांच में से चार का मीनिंग नहीं पता तो आप सॉल्व नहीं कर पाएंगे चाहे आपके पास रूल्स भी हों तो आपको वोकेब्रेरी धीरे धीरे इम्प्रूव करनी है एंड देन कॉलोकेशंस का ध्यान रखना है कॉलोकेशन क्या होते हैं जो दो वर्ड नॉर्मली एक साथ जाते हैं राइट फॉर एग्जांपल आई एम अ गुड स्पीकर गुड स्पीकर कॉलोकेशन है दिस इज एन एकेडमिक एग्जाम एकेडमिक एग्जाम एक कॉलोकेशन है आई टेक अ क्विक शावर क्विक शावर एक कॉलोकेशन है द क्विक फॉक्स रैन ओवर द हॉर्स वट एवर इट इज द क्विक फॉक्स एक कॉलोकेशन है इसी तरह से इन वर्ड्स का ध्यान रखना है और सबके बाद सारी चीज़ों के बाद आपको ग्रामेटिकल रूल्स को भी ध्यान में रखते हुए अपने ब्लैंक सॉल्व करने हैं चलिए शुरू करते हैं जैसे कि आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं सबसे पहले ध्यान रखें कि आपके रीडिंग ब्लैंक्स में कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है तो आपको कोई भी चीज़ छोड़नी नहीं है आप अगर गलत भी करेंगे तो ज़ीरो होगा नहीं भी करेंगे तब भी जीरो होगा तो इट्स बेटर कि आप उसे हमेशा अटेम्प्ट करें अब जैसे मैंने आपको बताया कि आपको ग्रामर क्वालिफिकेशन और वोकेबलरी का ध्यान रखना है और थोड़ी सी नॉलेज आपको वर्ब्स की टेंस की और वर्ब्स एडजेक्टिव नाउन्स की भी होनी चाहिए मैं आपको वर्ब और सेंटेंस स्ट्रक्चर के बारे में बताऊंगा जिससे कि आपको थोड़ी सी आसानी हो जाएगी सबसे पहले ये ध्यान रखें कि वर्ब क्या होता है वर्ब उस वर्ड को बोलते हैं बेसिकली हिंदी में क्रिया बोलते हैं इसको वो वर्ड जो हमें यह दिखाता है कि कोई एक्शन हो रहा है फॉर एग्जाम्पल आई एम प्लेइंग क्रिकेट इसमें आई क्या है सब्जेक्ट है प्लेइंग क्या है वर्ब है और क्रिकेट क्या जो ऑब्जेक्ट है राइट आई एम प्लेइंग क्रिकेट प्लेइंग इज अ वर्ब हियर ही इज कम्प्लीटिंग होमवर्क कम्प्लीटिंग वर्ब है तो ध्यान रखें जो भी एक्शन हो रहा है जो भी काम हो रहा है उसको वर्ब बोलते हैं तीन फॉर्म होती है वर्ब की फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड फॉर्म फर्स्ट फॉर्म सिंपल फॉर्म भी होती है या प्रेजेंट फॉर्म सेकेंड फॉर्म पास्ट फॉर्म होती है जिसमें ई वर्ड आता है मोस्ट प्रॉब्ली और थर्ड फॉर्म होती है अपनी पास्ट पार्टिसिपल जिसमें ई या आई होता है जिसको कंटिन्यूस फॉर्म भी बोलते हैं एक एग्जाम्पल देता हूँ फॉर एग्जाम्पल आई प्ले क्रिकेट यहाँ पे प्ले सिंपल आया ये फर्स्ट फॉर्म है क्रिकेट इज प्लेड ये प्लेड वाला सेकेंड फॉर्म है ही इज़ प्लेइंग क्रिकेट ये थर्ड फॉर्म है कॉन्टीन्यूस फॉर्म है सो प्ले प्लेड प्लेइंग यहाँ पे तीन तरह की फॉर्म्स मैंने आपको बताई हैं फर्स्ट फॉर्म जो सिंपल फॉर्म सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब इस द पास्ट फॉर्म एंड थर्ड जिसमें ई डी या कॉन्टीन्यूस फॉर्म आती है ध्यान रखें इन तीन चीजों का यह वर्ब बहुत इंपॉर्टेंट है आपके रीडिंग ब्लैंक सॉल्व करने में इसके बाद आप देखो कि सेंटेंस स्ट्रक्चर क्या होता है एक्टिव पैसि वॉइस क्या होती है पहले इस चीज़ का ध्यान रखो कि इंग्लिश में सेंटेंस हमेशा इस तरीके से स्ट्रक्चर होता है कि शुरू में आता है सब्जेक्ट फिर आता है वर्ब फिर आता है ऑब्जेक्ट अगर ये सीक्वेंस है तो इसको बोलते हैं एक्टिव वॉइस फॉर एग्जाम्पल आई एम प्लेइंग क्रिकेट आई सब्जेक्ट प्लेइंग वर्ब ऑब्जेक्ट आई एम क्रिकेट ये एक्टिव वॉइस है जहाँ पे बंदा पहले आता है और चीज बाद में आती है लेकिन कई बार सेंटेंस ऐसे भी होते हैं क्रिकेट इज बींग प्लेड बाय मी अब मैं मी सब्जेक्ट एंड में आ रहा है ऑब्जेक्ट पहले आ रहा है और ऑब्जेक्ट पहले आ रहा है वो बीच में आ रहा है वो जो कि बीच में ही रहता है और सब्जेक्ट एंड में आ रहा है इसको पैसिव वॉइस बोलते हैं एक्टिव में जो सब्जेक्ट होता है वो शुरू में आता है पैसिव में सब्जेक्ट पीछे आता है तो एक्टिव एंड पैसिव वॉइस का ध्यान रखना है थ्री फॉर्म्स ऑफ वर्ब का ध्यान रखना है बहुत इंपॉर्टेंट है आपके रीडिंग ब्लैंक सॉल्व करने में और इससे आपको बहुत ही मदद मिलेगी चलिए अब आगे बढ़ते हैं सबसे पहले ग्रामेटिकल रूल की तरफ सबसे पहला ग्रामेटिकल रूल क्या है अगर आपको कोई ब्लैंक आता है टू के बाद अगर आपको एक वर्ड दिया गया टू और उसके बाद ब्लैंक है तो हमेशा फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब आएगा आई एम हीयर टू प्ले क्रिकेट आई एम हीयर टू वॉच अ मूवी ही इज आई एम हीयर टू प्ले म्यूजिक आई एम हीयर टू रिप्रेजेंट माय क्लाइंट सो टू के बाद जो भी वर्ड आता है अगर आपके सेंटेंस में वर्ब मिसिंग है तो वहाँ पे आपका फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब आएगा इस बात को ध्यान में रख लें अगर सेंटेंस में वर्ब मिसिंग है और टू के बाद ब्लैंक है तो फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब आएगा जिसको कि सिंपल फॉर्म ऑफ वर्ब भी हम बोलते हैं इस बात का ध्यान रखें और इसको नोट डाउन कर लें अब आ जाए सेकेंड रूल की तरफ मैं बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा आई अल ट्राई टू मैं ट्राई करूँगा कि वीडियो शॉर्ट ही रहे ताकि आपको बहुत ज़्यादा टाइम ना लूँ और आपको सारे रूल्स भी पता लग जाएँ अगर कोई भी ब्लैंक फॉर या वाइल के बाद में आता है अगर कोई भी ब्लैंक फॉर या वाइल के बाद में आता है तो आपको आई एन जी फॉर्म यूज़ करनी है फॉर एग्जाम्पल आई एम हीयर फॉर कलेक्टिंग द टिकट्स आई नीड समथिंग फॉर स्टोरिंग माई फूड वाइल कंप्लीटिंग द होमवर्क आई वॉज डिस्ट्रैक्टेड वाइल रिसर्चिंग ऑन द प्रोजेक्ट द एक्सीडेंट टुक प्लेस वाइल एक्सप्लोरिंग द ऑप्शन वी मेट हिम फॉर या वाइल के बाद आई एन जी फॉर्म ऑफ वर्ब आएगी अगर वर्ब सेंटेंस में मिसिंग है ध्यान रखना इस चीज़ का प्लीज़ ये था हमारा सेकंड रूल अब चलते हैं थर्ड रूल की तरफ अगर आपको कोई भी ब्लैंक आता है जो इट के बाद विच के बाद या दैट के बाद है तो आपको प्लूरल फॉर्म ऑफ वर्ब यूज करना है वर्ब सब्जेक्ट एग्रीमेंट भी इसको बोलते हैं क्या मतलब होता है अगर आपका सब्जेक्ट सिंगुलर है तो आपका वर्ब बेसिकली प्लूरल होता है ध्यान रखें सबसे पहले तो मैं आपको बेसिक बता दूं अगर व, आपका सब्जेक्ट सिंगुलर है वर्ब मोस्ट लाइकली प्लूरल होता है अगर सब्जेक्ट प्लूरल है तो वर्ब सिंगुलर होता है फॉर एग्जाम्पल बॉय प्ले नहीं होगा बॉय प्लेज इन द ग्राउंड होगा बॉयज़ प्ले इन द ग्राउंड होगा बॉयज़ प्लेज इन द ग्राउंड नहीं होगा तो अगर सब्जेक्ट एस वाला तो दूसरा सिंगुलर आएगा ध्यान रखें सिमिलरली इट विच दैट एक सिंगल चीज को रिप्रेजेंट करता है इसी कारण इसके बाद जो वर्ब की फॉर्म आएगी वो एस या ई एस वाली आएगी जैसे इट प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल नहीं होगा इट प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल होगा द इंग्रीडियंट लार्जेस्ट प्रपोर्शन नहीं होगा आम um, कवर्स होगा इसके साथ वी नीड टू वर्क ऑन एन ऑल्टरनेटिव होगा वर्क नहीं होगा दैट वर्क्स होगा सो इट विच दैट के बाद अगर कोई वर्ड आएगा तो वो एस वाला आएगा अगर सिमिलरली एक और चीज़ मेरे दिमाग में आ रही है अगर दे या दो के बाद होगा जैसे दे वर्क होगा दोस्त वर्क होगा दे या दोस्त जो कि प्लूरल आम चीज़ों को रिप्रेजेंट करता है उसके बाद कोई वर्ड आएगा तो वो सिंगुलर आएगा मीन्स बिना एस या ई एस के आएगा इन चीज़ों को भी आप नोट डाउन कर लें आपकी बहुत मदद होगी अब आते हैं नंबर फोर पे अगर कोई भी ब्लैंक आता है इज एम या आर के बाद अगर कोई भी ब्लैंक आता है इज एम या आर के बाद तो आप कॉन्टिन्यूस फॉर्म मतलब आई एन जी फॉर्म यूज़ करेंगे अगर आपका सेंटेंस एक्टिव वॉइस में है जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था कि दो तरह के फॉर्म ऑफ सेंटेंस होते हैं एक्टिव फॉर्म और पैसिव फॉर्म अगर इंसान या सब्जेक्ट जिसके बारे में बात हो रही है वो पहले आ रहा है वो एक्टिव वॉयस है अगर वो बाद में आ रहा है तो वो पैसिव वॉयस है अगर एक्टिव वॉयस में सेंटेंस दिया गया है और इज़ एम आर आ रहा है तो उसके बाद अगर ब्लैंक है तो आप आई एन जी फॉर्म यूज़ करेंगे फॉर एग्जाम्पल ही इज प्लेइंग क्रिकेट ही इज प्लेइंग क्रिकेट ध्यान रखें दे वर प्लेइंग क्रिकेट या फिर आई एम प्लेइंग क्रिकेट दे आर प्लेइंग क्रिकेट लेकिन अगर पैसिव वॉइस है तो थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब आएगी जो कि मोस्ट लाइकली ईडी फॉर्म होगी ही इज प्लेइंग क्रिकेट क्रिकेट इज प्लेड बाय हिम इसके बाद ब्लैंक आया और पैसिव वॉइस थी क्योंकि हिम एंड में आ रहा है तो ईडी फॉर्म होगी इज एम आर का ध्यान रखें अगर इसके बाद एक्टिव वॉइस में ब्लैंक आएगा तो आईएनजी फॉर्म अगर पैसिव वॉइस में आएगा तो ईडी फॉर्म इन चीज़ों को नोट डाउन कर लें बहुत हेल्पफुल रहेंगी ब्लैंक सॉल्व करने में आप नेक्स्ट रूल की तरफ बढ़ते हैं अगर आपको कोई ब्लैंक आता है ए एन या द के बाद इसके बाद हमेशा नाउन आएगा जो आर्टिकल्स होते हैं वो नाउन से पहले आते हैं हमेशा फॉर एग्ज़ाम्पल नाउन क्या होता है किसी भी जिसे हिंदी में बोलते हैं वस्तु कोई भी चीज़ को बोलते हैं राइट नाउन क्या होता है कोई भी चीज़ कोई भी एक चीज़ या पर्टिकुलर चीज़ हो उसको नाउन बोलते हैं कॉमन नाउन होते हैं प्रॉपर नाउन होते हैं कॉमन नाउन आम चीज़ें होती हैं प्रॉपर नाउन कोई विशेष पर्टिकुलर चीज़ होती है जैसे कि म यूनिवर्सिटी कॉमन नाउन है यूनिवर्सिटी ऑफ वेस्टर्न सिडनी प्रॉपर नाउन है बॉय एक कॉमन नाउन है वरुण एक प्रॉपर नाउन है तो अगर पर्टिकुलर चीज़ का नाम है तो वो प्रॉपर है अगर आम चीज़ें जिसकी तरह की बहुत सारी चीज़ें होती हैं तो वो कॉमन नाउन होता है अगर ए एन या द के बाद ब्लैंक है इसके बाद कोई वस्तु या मतलब नाउन आएगा कैसे ही इज अ बॉय दिस इज द यूनिवर्सिटी दिस इज द ग्राउंड इट इज एन एप्पल ही इज एन इंजीनियर तो जब भी आपको ब्लैंक आ रहा है ए एन या द के बाद ध्यान रखें उसमें नाउन आएगा अब अगर आपके पास एक आर्टिकल है ए एन या द और उसके बाद ब्लैंक है और उसके बाद नाउन दिया गया है तो उस ब्लैंक में क्या आएगा एडजेक्टिव यह एक और फॉर्म आ जाती है पिछले वाले रूल को एक्सप्लेन करें तो अगर सिर्फ आर्टिकल दिया और ब्लैंक दिया गया और उसके बाद वर्ब है तो क्या आएगा वहां पर नाउन अगर आपके पास आर्टिकल है फिर ब्लैंक है और फिर नाउन दिया गया फॉर एग्जाम्पल इट इज़ अ डैश एपल तो वहां पे एडजेक्टिव आएगा एडजेक्टिव क्या होता है जो नाउन के बारे में ज्यादा इंफॉर्मेशन देता है फॉर एग्जाम्पल दिस इज अ ग्रीन बेड तो ग्रीन क्या है ग्रीन बेड के बारे में इंफॉर्मेशन दे रहा है कि जो बेड है वो हरे रंग का है तो जब भी ए एन या द के बाद ब्लैंक है और उसके बाद नाउन दिया गया है तो वहां पे एक एडजेक्टिव आएगा ब्लैंक में जो कि नाउन के बारे में और इन्फॉर्मेशन देगा जैसे कि ही इज अ डैश बॉय ही इज अ बॉय भी बोल सकते हो लेकिन अगर आपको ही इज अ डैश बॉय दिया तो ही इज अ गुड बॉय आएगा इज अ बैड बॉय आएगा जो वर्ड बॉय के बारे में इंफॉर्मेशन देगा तो क्या रूल है ए एन द के बाद अगर ब्लैंक है और फिर आपका नाउन आ रहा है तो वहां पर एडजेक्टिव आएगा इस बात का आप ध्यान रखें प्लीज और जैसे कि आप स्क्रीन पर एग्जाम्पल भी देख सकते हैं देर इज एन एपल इन द बास्ट ये सिक्स नंबर सिक्स रूल का एग्जाम्पल है देर इज अ रेड एप्पल इन द बास्ट अब यहाँ पे एडजेक्टिव आ गया शी वोर अ ड्रेस नंबर सिक्स का एग्जाम्पल है शी वोरा डैश ड्रेस शी वोरा ब्यूटीफुल ड्रेस तो ब्यूटीफुल क्या हो गया हमारा यहाँ पे एडजेक्टिव हो गया तो ये था रूल नंबर सेवन अब देखते हैं रूल नंबर एट अगर कोई भी ब्लैंक हैज हैव याड के बाद है तो हमें पास्ट पार्टिसिपल ऑफ वर्ब जैसे जो कि ई डी फॉर्म या फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म है वो यूज करनी पड़ेगी ही हैज़ कम्प्लीटेड हिज होमवर्क मार्क हैज शोन house हाउस टू मी have कम्प्लीटेड द कंस्ट्रक्शन दे हैव कम्प्लीटिंग नहीं बोलेंगे या दे हैव complete नहीं बोलेंगे दे हैव कम्प्लीटेड द वर्क ही बोलेंगे दे हैड वर्कड हार्ड ऑन दिस प्रोजेक्ट दे हैड वर्क नहीं बोलेंगे दे हैड वर्कड हार्ड ऑन दिस प्रोजेक्ट वर्ब मिसिंग हैड के बाद हैज के बाद या हैव के बाद ई डी फॉर्म आएगी वर्ब की ध्यान रखें इस बात को प्लीज नंबर नाइन पे चलते हैं अगर कोई भी ब्लैंक है जो ए या एन जो हमने अभी किया है ए और एन के बाद ध्यान रखें ए और एन के बाद नाउन आता है ये तो हमें पता है लेकिन सिंगुलर नाउन आएगा क्योंकि ए और एन सिंगल चीज़ों को रिप्रेजेंट करते हैं फॉर एग्जाम्पल ही इज़ अ बॉय बोलोगे ही दे आर अ बॉयज़ नहीं बोलेंगे ए या एन एक चीज़ के लिए होती है मतलब कि सिर्फ एक चीज़ के लिए ही ये वर्ड यूज़ होते हैं आई एम अ बॉय आई एम अ बॉयज नहीं बोलेंगे देर इज़ अ कार देर आर अ कार्स नहीं बोलेंगे तो अगर ए या एन आ रहा है उसके बाद सिंगुलर वर्ड आएगा सिंगुलर नाउन आएगा फॉर एग्जाम्पल दिस इज अ टेबल दिस इज अ टेबल्स नहीं बोलेंगे ही वेंट टू अ पार्टी पार्टी नहीं बोलेंगे रोहन बॉट अ कार बोलेंगे कार्स नहीं बोलेंगे देर वॉज एन एलिफेंट इन द जंगल एन का मतलब एक देर वॉज एन एलिफेंट्स नहीं बोलेंगे इस चीज का आप ध्यान रखें एक और एक और रूल लिख लें आप मेरे दिमाग में आ रहा है अगर एन के बाद कोई ब्लैंक आ रहा है तो आपको वो वर्ड आएंगे जो वॉवल से शुरू होते हैं ए ई e, आई ओ यू से स्टार्टिंग वर्ड आएंगे से आप आपके दिमाग में क्या आना चाहिए जैसे आप एन के बाद ब्लैंक देखें आपने ऑप्शन में क्या ढूंढना है आपने ऑप्शन में वो वर्ड ढूंढना है जो ए से, e से शुरू हो रहा है हो रहा है ई से शुरू हो रहा है आई से शुरू हो रहा है ओ से शुरू हो रहा है या फिर यू से हो रहा है अगर दो वर्ड्स हैं एन के बाद आपको जो लग रहे हैं एक ए से शुरू हो रहा है एक बी से आपको ए वाला ही चूज करना है क्योंकि एन के बाद वोबल साउंडस आती हैं इसी के साथ अगर आप ए या एम देखें और उसके बाद ब्लैंक देखें तो आपके पहले दिमाग में क्या आना चाहिए कि भाई यहाँ पे सिंगुलर वर्ड आएगा फिर आपने ऑप्शन देखने हैं सीधा ऑप्शन ना देखें पहले खुद गेस करें कि यहाँ पे कौन सा वर्ड आ सकता है कौन सा वर्ड नहीं आ सकता फिर ऑप्शन देखें जल्दी और हायर एक्यूरेसी के साथ आपके ब्लैंक सॉल्व होंगे नंबर नाइन रूल था ये नंबर टेन पे आ जाते हैं हम अगर कोई ब्लैंक है बी या बीन के बाद यहाँ तो वो थर्ड फॉर्म में होगा या फिर कंटिन्यूस जो कि आईएनजी फॉर्म ऑफ वर्ब होता है ही हैज बिन डैश ऑन द प्रोजेक्ट फॉर अ लॉन्ग टाइम ही हैज बिन वर्किंग हीज बिन वर्कड नहीं होगा ही हैज बिन वर्किंग होगा मैंने बोला थर्ड फॉर्म या कॉन्टीन्यूस फॉर्म ही हैज बिन वर्क भी नहीं होगा या बिन ही हैज बिन वर्क भी नहीं होगा ही हैज बिन वर्किंग ऑन द प्रोजेक्ट फॉर अ लॉन्ग टाइम द टूटर टोल्ड द स्टूडेंट टू बी डिसिप्लिन टू बी कॉन्टीन्यूड बी के साथ क्या ईडी फॉर्म आती है ज्यादा बी के साथ ईडी टू बी कम्प्लीट ही टू बी कॉन्टीन्यूड फिनिश दिस इज टू बी फिनिशिंग नहीं होगा बी के साथ ज्यादातर ईडी फॉर्म आती है और बी के साथ ज्यादातर आई एन जी फॉर्म आती है ध्यान रखना इन चीजों का प्लीज रूल नंबर टेन आप चलते हैं आखिरी रूल जो कि रूल नंबर इलेवन है और इसके बाद मैं आपको थोड़ी और चीजें बताऊंगा अगर आपको कोई ब्लैंक आता है जो कैन कुड मे विल वुड शेल शुड के बाद है तो ब्लैंक में अगर अगर उस सेंटेंस में वर्ब मिसिंग है जो कि मोस्ट लाइकली होगा तो फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब आप यूज करेंगे फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब सिंपल फॉर्म ऑफ वर्ब होता है फॉर एग्जाम्पल ही विल कम्प्लीट द होम वर्क आई विल कम्प्लीट दिस वर्क दिस आफ्टरनून आई विल कम्प्लीटिड या आई विल कम्प्लीटिंग नहीं बोलेंगे ऑफिसर्स कैन डाई इन द ऑपरेशन कैन डाइड नहीं बोलेंगे कैन डाइज नहीं बोलेंगे कैन डाइंग नहीं बोलेंगे ऑफिसर्स कैन डाई इन द ऑपरेशन वी शुड वर्क टूगेदर ऑन दिस प्रोजेक्ट सो कैन कुड मे विल वुड शेल शुड के बाद फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब आएगी इस चीज़ का आप ध्यान रखें प्लीज तो ये था रूल नंबर इलेवन ये सारे के सारे रूल्स आपने अपने दिमाग में रखने हैं ध्यान में रखने हैं और इनको मद्देनजर रखते हुए ही आपको अपने सारे पैसेज सॉल्व करने हैं अब मैं आपको थोड़े से और रूल्स बताऊंगा जो कि मोस्ट ऑफ़ द सिचुएशंस में अप्लाई होते हैं आप इनको भी ध्यान में रखें ताकि आपकी एक्यूरेसी और इम्प्रूव हो पाए अब मैं आपको तीन और रूल्स बताऊंगा जो कि मोस्ट ऑफ़ द सिचुएशंस में एप्लीकेबल होते हैं एक या दो सिनेरियोज ऐसे आते हैं जब ये रूल्स अप्लाई नहीं होते हैं बट फिर भी आप इनको अपने ध्यान में रखें ताकि आपको और आसानी हो अपने ब्लैंक सॉल्व करते हुए सबसे पहला रूल आ, जैसे कि आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं कि अगर आपको कोई भी ब्लैंक आता है और उसके बाद वर्ड आता है बाय तो आप वर्ब का पास्ट पार्टिसिपल यूज करेंगे फॉर एग्ज़ाम्पल वर्क इज़ टू बी डैश बाय हिम कम्पलीटेड बाय हिम कम्प्लीटिंग या कम्पलीट नहीं आएगा तो अगर आपको कोई भी ब्लैंक आता है बाय से पहले तो ई फॉर्म आएगी मोस्ट लाइकली उस ब्लैंक में ध्यान रखें सेकंड रूल क्या है अगर आपको कोई ब्लैंक आता है जो कि बाय के बाद है अगर आपको एक वर्ड दिया गया है बाय और उसके बाद आपको एक ब्लैंक दिया गया है तो मोस्ट लाइकली आईएनजी फॉर्म में वर्ड आएगा वहां पर आई एम प्रिपेयरिंग फॉर पी टी बाय डैश वीडियोज़ बाय वॉचिंग वीडियोज़ बाय वॉच वीडियोज़ या वॉस्ड वीडियो नहीं आएगा बाय से पहले अगर कोई ब्लैंक है तो मोस्ट लाइकली नॉट ऑलवेज मोस्ट लाइकली ईडी फॉर्म आएगा बाय के बाद है तो मोस्ट लाइकली आई एन जी फॉर्म ऑफ वर्ब आएगा अगर वर्ब सेंटेंस में मिसिंग है तो अब देखते हैं लास्ट रूल इस रूल का क्या मतलब है अगर आपको एक ब्लैंक दिया गया है एंड से पहले या बाद में अगर आपको एक ब्लैंक दिया गया है एंड से पहले या बाद में तो जिस फॉर्म में एंड से पहले या बाद में वर्ड है उसी फॉर्म में नेक्स्ट वाला वर्ड भी आएगा फॉर एग्जाम्पल अगर लेट्स से सिंगुलर की बात करते हैं आई एम रीडिंग बुक्स एंड मैगजींस सो अगर बुक्स एस के साथ है तो मैगजींस भी एस के साथ ही आएगा आई एम प्लेइंग क्रिकेट एंड बेसबॉल तो सिमिलर वर्ड्स आएंगे एंड के आगे पीछे सिमिलर वर्ड आएंगे और अगर एंड से पहले वर्ड सिंगुलर है तो बाद वाला वर्ड भी अगर सेम कॉन्टेक्स में है तो सिंगुलर आएगा अगर डिफरेंट कॉन्टेक्स की बात हो रही है एंड से अगर एंड दो उन सेंटेंस को ज्वाइन करने के लिए यूज़ हो रहा है जो बिल्कुल रिलेटेड नहीं है तो ये रूल अप्लाई नहीं होगा बट अगर एंड दो सिमिलर वर्ड्स को कनेक्ट करने के लिए यूज़ हो रहा है तो जिस फॉर्म में पिछले वाला वर्ड है उसी फॉर्म में अगले वाला भी आएगा फॉर एग्जाम्पल ही इज़ एडिटिंग एंड राइटिंग द बुक ऐसे नहीं होगा ही इज एडिटिंग एंड राइट द बुक तो एडिटिंग एंड राइटिंग आएगा अगर बुक्स एंड मैगजीस है तो ऐस, दोनों ऐसा दोनों ऐसे आएंगे देर इज़ अ बुक एंड मैगजीन देर इज अ बुक एंड मैगजींस नहीं बोलेंगे देर इज अ बुक एंड मैगजीन तो जिस फॉर्म में एंड से पहले या बाद में वर्ड होगा बाइस वर्सा दूसरा वर्ड भी उसी फॉर्म में होगा अगर सेम कॉन्टेक्स्ट की बात चल रही है तो ये थे हमारे अराउंड फोर्टीन फिफ्टीन रूल्स जो कि आप यूज़ कर सकते हैं अपने ब्लैंक्स को सॉल्व करने के लिए अब अगर आपने ब्लैंक्स की प्रैक्टिस करनी है तो आप लैंग्वेज अकेडमी डॉट कॉम डॉट ए यू पे जाएँ एवरी डे अराउंड ट्वेंटी फाइव ब्लैक्स प्रैक्टिस करें और मेक श्योर sure करें कि जब आप ब्लैंक्स प्रैक्टिस कर रहे हैं ये रूल्स को ध्यान में रखें एकदम से इम्प्रूवमेंट नहीं आएगी अगर आप सोचें कि आपके पास ये रूल्स हैं आपके बारह घंटे में रीडिंग के ब्लैंक्स इंप्रूव हो जाएंगे ऐसा नहीं होगा आप दस पंद्रह बीस दिन प्रैक्टिस करेंगे फिर इंप्रूवमेंट अच्छी इंप्रूवमेंट आएगी बट उसके लिए कंसिस्टेंसी चाहिए आप एवरी डे पंद्रह से बीस तो ब्लैंक्स प्रैक्टिस करें ही करें दोनों तरह के अगर आपके पास टाइम है या आपको टाइम निकालना ही पड़ेगा हल से एवरी डे अराउंड ट्वेंटी फाइव टू थर्टी रीडिंग ब्लैंक्स ट्वेंटी फाइव टू थर्टी रीडिंग राइटिंग ब्लैंक्स प्रैक्टिस करें ये प्रैक्टिस करने के लिए आप लैंग्वेज अकेडमी डॉट कॉम डॉट ए यू पर रजिस्टर कर सकते हैं फ्री वेबसाइट है लॉग इन करने का यू डोंट फिल नीड टू डू एनी थिंग यू जस्ट नीड टू एंटर योर ई मेल एंड देन वेरीफाई योर ई मेल फिर आप यूज़ कर सकते हैं आपको स्कोर भी मिलेगा और आपको फ्री मॉक टेस्ट भी वहाँ पर मिलेगा जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है इसके साथ आपको स्कोर कार्ड भी मिलेगा अब इसी के साथ मैं आपको एक और चीज़ बता दूँ कि अगर आप मॉक टेस्ट ले रहे हैं रीडिंग का सेक्शन मॉक टेस्ट ले रहे हैं हमारी वेबसाइट पर तो एटलीस्ट सिक्सटी फाइव उसमें एम करें अगर आप सेवेंटी नाइन के लिए एम कर रहे हैं अगर आप सेवन ईच मीन सिक्सटी फाइव में एक्चुअल एग्जाम में एम कर रहे हैं तो रीडिंग में एटलीस्ट आपके 55 फाइव टू सिक्सटी हमारे मॉक टेस्ट में आने चाहिए सेक्शनल मॉक टेस्ट की बात कर रहा हूँ फुल मॉक टेस्ट की बात नहीं कर रहा हूँ तो ये सब चीज़ें थी रीडिंग एवरी डे थर्टी थर्टी ब्लैंक्स प्रैक्टिस करें इसके बाद अगर आपको कोई और डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे बताएं आई एल ट्राई टू मेक अ वीडियो ऑन दैट एज वेल या मैं आपके कमेंट्स को आंसर करने की ट्राई करूंगा हम एवरी फ्राइडे लाइव आने की ट्राई करते हैं एंड मोस्टली आते भी हैं तो आप अराउंड फाइव पी एम सिडनी टाइम वी आर ऑलवेज लाइव ऑन फ्राइडेज तो अगर आपको कोई डाउट है आप हमारा लाइव सेशन ज्वाइन करके पूछ सकते हैं अगर आप इंडिया में है आई आई एम वेरी हैप्पी टू शेयर अव गुड न्यूज़ विद यू वी हैव ओपन अ फेस्ट फर्स्ट ब्रांच इन इंडिया आफ्टर पैरामेटा इन सिडनी इन जलंधर ये एड्रेस है अगर आपको कोई डाउट है आप इस नंबर पर फ़ोन करके हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं और मोर इन्फॉर्मेशन भी ले सकते हैं थैंक्स काज दैट्स इट फ्रॉम दिस वीडियो अगर आपको कोई और इन्फॉर्मेशन चाहिए होगी तो मुझे बताएं अगर ये वीडियो हेल्पफुल थी प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब

Go now, register on languageacademy.com.au and kickstart your journey. Thanks, guys.